Hi, welcome to the last day. मेरी हालत भी वो लास्ट वाली हो गई है फिलहाल. I really need to rest now. दोनों पे survive कर रही हूँ फिलहाल. लेकिन can't not shop on the last day. मैंने एक्चुअली बड़े बैग की जरूरत है because we need to courier some stuff back. And उस चक्कर में थोड़ी सी और हम जनपद पे ब्राउज करने आए हैं. ये हो रहा था मुझ पे स्टिंग ऑपरेशन. दिस वॉज माई आउटफिट फॉर द लास्ट डे. आई वोर सिंपल ब्लैक पैंट्स एंड दिस एकदम थिक डेनिम जैकेट बिकॉज़ इट वाज कोल्ड. हमें बैग्स तो मिल गई थी जनपद के अंदर से 150 में. वी गॉट लाइक अ ह्यूज बैग लेकिन वी वांटेड टू लॉक इट. कूरियर में भेजने वक्त लॉक ही नहीं मिल रहा था आधे घंटे तक. हमारी होटल हंस के सामने ये बहुत ही मस्त रेस्टोरेंट थी नेम जगरनॉट. बाहर से मस्त लग रहा था तो वी हैड थॉट कि कभी तो खाएंगे कभी तो खाएंगे. लास्ट डे पे मुहूर्त निकला. अंदर से एक्चुअली इट वाज इवन मोर प्रिटी. लाइक जस्ट लुक एट द इंटीरियर. साउथ इंडियन फूड ना वैसे काफी सिंपल होता है तो मेरी कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि इट विल बी टू गुड. बट इधर का फूड वॉज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड. एक तो पैकेजिंग देखो कितने अच्छे से करी हुई है. एंड बिलीव मी व्हेन आई टेल यू इवन दो वी हैड ओनली ऑनियन अत्तप्पा एंड मसाला डोसास इट was the best onion uttapam masala dosa I've ever had. Chutneys were also so good. They had three different varieties. If you come to Delhi, you've got to have from Jagannaut once. Finally, ma'am, mushkil se we packed everything. And agar not shopping ki aur kuch hamara luggage badhne wala hai. Niche aapko dikhate hain ki how much luggage we have. But then this was a work trip where we really had to do so many challenges and videos nahi to ho nahi tha. And we had each bachcha pocket. I'm not eating dahi, of course not. But I'm not eating dahi, of course not. But I'm very excited to see what Banjara Market has to offer. Yaar, itne videos dekhe na. Here there are outlets. I see a bada sa khe. Today we come to Banjara Market. It's my first time and we're going to do a shopping challenge. It's going to be a 5,000 rupee shopping challenge. Haan, haath mein sirf 1000 rupee because the rest is going to have to be Google Pay. It's one of my last stops in Delhi. So I've run out of cash. But I want to see what things I can find here because in Mumbai mein nahi milti. And let's see how well we do in the challenge. मैं भी आपके लिए सबसे बेस्ट चीजें दिखा रही हूँ. बट वेन यू एक्चुअली गो टाइम लेके जाना मार्केट बहुत बढ़िया. एटलीस्ट 2-3 आवर्स लेके जाना. एंड आई वुड से द चांसेस ऑफ फाइंडिंग समथिंग गुड इज 30-40%. बहुत सारी वैरायटी तो आपको ढूंढना पड़ता है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स. डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी लग्जरियस वाइब. यहाँ पे काफी लोगों के घर है एंड थ्रू देयर होम ओनली दे रन दिस ब्यूटिफुल बिजनेस. दे लाइक क्यूट लिटिल हट्स तो उसका एकदम ये सा रॉ वाइब है. सेकेंडली आप ऐसे टूरिस्ट दिखोगे ना जैसे मैंने पहना है तो आपको प्राइसेस 2-3 गुना आराम से कोट की जाएगी. भैया बंजारा मार्केट से नहीं बताओ आइकिया वाला नहीं. यहाँ से यू कैन फाइंड ब्यूटीफुल पेस्टल कलर्ड प्लेट्स एंड बोल्स पास्ता बोल्स. अच्छा है दोनों. मुझे लगा इसमें व्हाइट पास्ता या कुछ रहेगा तो अच्छा लगेगा. These jute baskets were also very nice over here, but the rates that were quoted were a lot. तो मैंने ना उसमें ज़्यादा bargain किया नहीं, because that was not my main goal. ये सब मेरा main goal था. यहाँ पे vases and home decor is super super pretty and unique. और ये donut vases है काफी viral. I know most Delhi creators have had it, but in Mumbai I haven't seen this donut vases anywhere. And ये golden decor भी बहुत सारे हैं, like these mirror trays and big planters and mirrors. But if you are a tourist like me, जैसे कि आप कहीं और से आए हो घूमने, आप मेजोरिटी बड़ी चीजें लेके जाने में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. बिकॉज पर्सनली मुझे काफी प्रॉब्लम हुई वहां पर. मुझे कूरियर का सर्विस ऐसा मिला नहीं एंड व्हेन आई हैड टू टेक थिंग्स बैक मेरी 4 प्लेट्स टूट गई. सो टेक स्मॉल स्मॉल थिंग्स जैसे डोनट पेजेस वगैरह. इन माई वीडियो यू विल सी व्हाट ऑल केम इन अ ग्रेट कंडीशन बट द एस्थेटिक्स हियर आर ऑन पॉइंट. तो मैं सो मैम कंफ्यूज बिटवीन दोनों सेम साइज का रखना चाहिए एक छोटा बड़ा. हियर देयर थ्री साइजेस. हां मैम थैंक यू.
If you live in Delhi, I don't think you'll have to go to IKEA for things like crockery and decor. And crockery, oh my god, it's too pretty. Yahan par lights bhi bahut achhi thi, like these rustic looking bulbs. And there are these viral fur stools and fur pillowcases as well. Pros bhi yahan pe bahut achhe milte hai, so make sure you're looking for the colors and aesthetics that match your home. Ek vision leke aana Banjara market, kyunki yahan pe cute cheeze bahut saari hai, to carried away mat ho jana, because agar aapne kuch pink aur kuch blue, kuch random cheeze, if you end up buying, it won't serve a purpose. So Pinterest se thode images download karke chalna ki these are the kind of things that you want to buy. One more very easily available thing in Banjara market are macrame things, especially macrame ke mirrors. They literally look like Bali se leke aaye hai, because they're so grand and uska kaam itna acche se kiya hua hai. Mera unfortunately mirror toot gaya aate aate, but main yahan se wapas banwaungi. Overall I love Banjara market and main definitely wapas aane wali hu yahan par, kyunki maine sirf 20-25% market explore kari. Choti moti cheeze to hamesha hi kaam aa jati hai, so I'm gonna come back again. Say hi. Yes, I mean oldest member. And now we are going to transfer all the saman in one bag only to make sure we are not being scammed. तो बेसिकली फोन पे हमें सिर्फ वेट के बेसिस से बताया गया था, हमें ये नहीं बताया था कि डायमेंशंस विल मैटर. एंड वहाँ जाकर हमें 20 किलो के बदले 40 किलो के पैसे मांग रहे थे, इवन तो सामान वाज ओनली 20 केजी. तो हमने वो छोटी सी बैग में फिर 40 केजी सामान भरा. एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, बिकॉज़ वी विल नॉट लेट एनीबॉडी चीट अस. इट इज 20. We can't go without shopping. Come on, we reach the airport Pochna in the next 1 hour. I don't know how that's going. Disha's filming, so she's seated there. Monkey and Harker are meeting the people for the first time. From last moment, the guest is Harker shopping. Finally, we made it. This shows my true passion for fashion and styling and shopping, because hume airport ek ghante mein pahunchne ke bawajood we were like nahi, Gujarati lane visit kiye bina to hum nahi hi aayenge wapas. These kind of boho bags are literally never seen before in Mumbai. Maine Instagram store se kharidi thi in June mamma ko gift karne ke liye, you'll remember that, but yahan par to collection kuch aur hi tha. Bhaiya hamari flight chhut jayegi. Ek minute aur late ho jayega. Are wah, बार नंबर शॉप से शॉपिंग की इन्होंने. Remember his face, because he literally had the best boho bags in entire of Gujarati lane. अगली बार आएंगे दिल्ली, पहले आपके पास आएंगे. Try to look for him when you go, because you'll find the most exquisite collection at his workshop. So this is how we're traveling. आगे की सीट पे इतने bags. Dishna with a bag with 40 minutes on the clock. मम्मा यू आर सिटिंग ऐसे, क्योंकि यहाँ पर है बैग, मैं ऐसे बैठी हूँ. कैसे भूल सकते हैं हमें एक्सपीरियंस यार. वी वाज वॉच गोइंग टू गुजराती लेन, बट नॉट वॉच मिसिंग द फ्लाइट, सो वी हैव टू मेक इट ऑन टाइम एनी हाउ. So obviously you know we were running a bit late and हमने last moment shopping भी करी थी, तो हम सब weight divide distribute कर रहे थे, जुगाड़ कर रहे थे, so that we don't have to pay extra charge at the airport. This is why हमने courier लगाया, क्योंकि per person 22 kg से भी ज़्यादा हो चुका था and हमारा 40 किलो का courier भी गया था. Now we're having Subway. हमको security check में जितना line नहीं लगा ना, उतना हमें Subway में लगा, to be honest. I'm gonna have red shami. What are you having? Paneer tikka. I'm gonna have corn and peas. Corn and peas roasted garlic. And I'm gonna mix corn and peas also. Corn and peas roasted garlic. Yeah, kya hai? Main dil dash hua hai pura. Kitne ghante baad khara? 12 hours. Yes. जब हम एस्केलेटर से उतरे ना, हम दो मिनट के लिए कंफ्यूज हो गए कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं या बोरेवली स्टेशन पे, बिकॉज इतने सारे लोग. यू नो आर 8:45 की फ्लाइट लिटरली अगले दिन निकली है, क्योंकि वो 12 बजे के बाद निकली है. फाइनली घर. Thank you.
बॉम्बे केबिन में हवा का दबाव कम हो जाए तो पहले अपने फेस मास्क को निकाल दें और फिर ऑक्सीजन मास्क पहन लें। आपातकालीन स्थिति में बाहर जाने के लिए दो द्वार में But this was our mad, mad Delhi trip, जिससे मुझे इतनी एनर्जी, इतनी इंस्पिरेशन, इतनी पॉजिटिविटी मिली है कि मुझे अलग ही डायरेक्शन मिल गया है ऑफ व्हाट आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग फॉर आवर चैनल, जो आप 2023 में जरूर देखेंगे। एंड इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग एंड दिस एंटायर सीरीज, एंड डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर व्लॉग्स। इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, बिंदास गिव इट अ थम्स डाउन। आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन, गुड बाय।